अब गर्मी से जुड़ी एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। गर्मी के डर से पाकिस्तान में कब्र खोदी जा रही है। जी हां, बढ़ती गर्मी की तैयारी के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप सोचेंगे कि गर्मी से कब्र का क्या कनेक्शन है, तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये पाकिस्तान के कराची की तस्वीर है। यहां कब्र की खुदाई की जा रही है। हालांकि ये कब्र किसके लिए खोदा जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। एक दो नहीं, कराची में ऐसे 300 कब्र एक साथ खोदे जा रहे हैं। इस साल सर हम लोग शुक्र अल्लाह का हम लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, लेकिन तो अल्लाह ना करे ना, इसलिए हम लोगों ने पहले 300 कब्रें हम लोगों ने तैयार छोड़ रखे। दरअसल पाकिस्तान में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पारा 40 के पार तक पहुँच चुका है। पिछले साल भी कराची में ऐसी ही गर्मी पड़ी थी। गर्मी की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दफनाने में परेशानी हुई थी। इसीलिए इस बार शवों को दफनाने के लिए पहले से कब्र खोद कर रखी जा रही है। हालांकि पिछली बार से सबक लेते हुए कराची प्रशासन इस बार अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर सुविधा का दावा कर रहा है। ये 56 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स स्प्रेड अक्रॉस कराची विद पेशेंट इन हाउस पेशेंट हैंडलिंग आई थिंक कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1850। कराची में पिछले साल गर्मी की वजह से अचानक कुछ दिनों के अंदर 1300 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे उनके शवों को दफनाने में परेशानी हो गई थी। इस बार ये समस्या ना हो, इसके लिए भी उपाय किए गए हैं। तो लोगों को गर्मी से राहत कैसे पहुंचे, इसकी बजाय कब्र खोदकर उनकी मौत का इंतजार किया जा रहा है।